हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आज के अपने इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस से जो एवरेज पीरियड होते हैं उनको कैलकुलेशन करने की, उनको लर्न करने की मैंने आपको ट्रिक सिखाई। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं अभी न्यूमेरिकल अपना। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप उसे देख लीजिए। यहां पर हमारा कंडीशन है, मोहन ड्रॉस रुपीज 10,000 फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए, मैंने सर्किल किया हुआ कि हमने हर मंथ में, मैंने केसेस बताया था ना, मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, सिक्स मंथली और नाइन मंथली, और सभी में तीन तीन केस बताया गया था, बिगनिंग में, मिडिल, एंड और बिगनिंग, और उसी तरह से क्वार्टरली में, सिक्स मंथली में और नाइन मंथली में। तो हमने सबसे एक एक पॉइंट उठाया है, जैसे कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ले लिया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर ले लिया, मिडिल ऑफ एवरी सिक्स मंथ ले लिया और बिगनिंग ऑफ एवरी नाइन मंथ ले लिया। ठीक है, तो हमने पूरा केस ले लिया है। अब यहां से हमारा जो रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, वो है 10% पर एनम नहीं यूज होता, तो क्या फॉर्मूला यूज होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में। तो पर एनम यहां पर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है पर एनम, अगर आता है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एवरेज पीरियड कितना है, ये हमें काउंट करना सबसे जरूरी है सभी केसेस के लिए। तो मैंने आपको सिखाया भी था ट्रिक। तो यहां पर बिगनिंग देखिए, यहां पर सबसे पहले वर्ड क्या है, बिगनिंग का। तो बिगनिंग में जैसे कहा, तो मिडिल आपके दिमाग में आना चाहिए सिक्स मंथली होता है, और हमने 0.5 की आपको ट्रिक सिखाई थी, या फिर एक और मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया था, आप देख लीजिएगा। तो बिगनिंग कहा, तो बिगनिंग में हम हमेशा प्लस करते हैं, आपको ऑलरेडी बताया गया, तो प्लस कितना करेंगे 0.5। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 6.5 इस कंडीशन के लिए, पहले नंबर केस के लिए 6.5। फिर आते हैं दूसरे नंबर केस के लिए, ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर में यूज होता है क्या, हाफ, सिक्स ही यूज होता है, लेकिन एंड में क्या होता है, माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे 1.5, क्योंकि थ्री मंथली होता है, तो सिक्स में से क्या करेंगे हम 1.5 माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4.5। ठीक है, ये हो गया इसके लिए एवरेज पीरियड। फिर आ जाएंगे मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ, तो सिक्स का जस्ट हाफ कर लेंगे मिडिल के लिए, कितना हो जाएगा 3। किस तरह से होता है सारा मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा एक बार जरूर से। ठीक है, फिर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो नाइन मंथ का हाफ कितना होता है 4.5, और 4.5 में बिगनिंग का, तो बिगनिंग में हमेशा प्लस करते हैं, तो 4.5 में 0.5 प्लस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, 4.5 प्लस 0.5 वैल्यू हो गई हमारी 9 मंथ के लिए। ये हमारा पूरा कंडीशन हो गया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा सभी के लिए, क्योंकि देखिए ये 10,000 दिया है, लेकिन ये ड्राइंग का अमाउंट नहीं है, ये तो मंथली ड्राइंग है ना, तो मंथली ड्राइंग को हम ईयरली ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा रेट है पर एनम का। तो पर एनम मतलब एक साल, तो देखिए 10,000 है, तो देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो मल्टीप्लाइड बाई 12, और ये 12 का मल्टीप्लाइज किया तो वैल्यू आ गई 1,20,000 रुपीज, एकदम फास्ट कैलकुलेशन। फिर एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाया था पूरा बना के, 6.5 ये कैसे बन रहा है, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6.5। ठीक है, इसे मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं याद होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, और ये पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया, 6.5 मंथ यूज हो जाएगा। ठीक है ना, ये एवरेज पीरियड हो गया, अब इसको लिखेंगे नहीं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब यहां पर डायरेक्टली हम आपको इसका कैलकुलेशन बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बना, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना निकला, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 1,20,000, देखिए किस तरह से फास्ट कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, रेट कितना है 10%, 10 अपॉन 100, मल्टीप्लाइड बाय फिर करेंगे एवरेज पीरियड, लिखा है ना एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड कितना यूज होगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तुरंत सॉल्व करिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल, पूरा जीरो, लेकिन कितना बचा 1 2 3 1 2 3 कर दिए। अब मैथ्स ऑलरेडी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, वही चीज यहां पर ऑलरेडी अप्लाई होगा, 6.5 है और जैसी पॉइंट है तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा किसी भी 100,010 से, तो इसमें एक जीरो कम हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 6.5 और एक जीरो कम हो गया, तो पॉइंट हट गया 00 रुपीज। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हमारा पहला नंबर केस था विच इज सॉल्व, पहला नंबर सॉल्व हो गया। ठीक,
अब हम इसको इरेज करते हैं और तुरंत आते हैं अपने अब हम नेक्स्ट केस नंबर पे, जो केस नंबर हमारा 2 है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे, बहुत इजी हमारा है अकाउंटिंग। बस आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहिए, चीजें देखते रहिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स में फिर यहां पर देखेंगे तो सेकंड नंबर केस क्या कह रहा है, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 20,000 तो ड्रॉइंग हुआ और ईच क्वार्टर का, तो एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था कि 4 क्वार्टर। किस तरह से, क्वार्टरली मींस होते हैं 3 मंथ, और 3 डिवाइडेड बाय, जब 12 मंथ होते हैं हमारे, 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे आप, देखिए 12 मंथ हुए और एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ, तो 3 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 4, यानी हमारे क्वार्टर की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यानी कि अगर हमें एक साल की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे, 80,000 रुपीज हो गया हमारा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। फिर निकालेंगे क्या, एवरेज पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड लिखा होगा ऑलरेडी, एंड के लिए कितना यूज होता है 4.5, कैसे यूज होता है वो बताया जा चुका है, 4.5 मंथ। ठीक है, अब यहां पर सीधे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पर सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना आया, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, रेट विच इज फिक्स्ड 10%, फिर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड इज 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अभी देखिए आप 4 से यहां पर देखिए, या फिर आप 12 से डायरेक्टली काट सकते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा और इजी बनाते हैं, 4 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब देखिए 3 से 2 0 ये हुआ ना, अब देखिए यहां पर वैल्यू आपको क्या दिखेगा, ये 1 2 3 1 3 ये हो गया 2000। तो अब देखिए 3 के टेबल में 2000 नहीं कटेगा, तो दिमाग लगाइए तुरंत आप पे पहुंच गए होंगे, ये देखिए 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी गया 5 के पास तो बीच में आ गया पॉइंट, और 1 5 हो गया 15, 3 5 जा 15, 1.5। अब देखिए 1.5 का मल्टीप्लाई 2000 में करना है, तो देखिए 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, अब आप ब्रेक कर लीजिए, हम आपको एक और छोटी सी पॉइंट सिखाते हैं। देखिए ये 1.5 दिखाया ना, आप इसको दो बार में तोड़ दीजिए, किस तरह से, एक 1 और एक 0.5, 0.5 मींस कितना होता है आधा, तो चलिए दोनों बार अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिए, 2000 का मल्टीप्लाई 1 में किए तो वैल्यू मिलेगा क्या 2000, और 2000 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे क्या, तो कुछ नहीं, सीधे आधा करिए, 2000 का आधा कितना हुआ 1000, वैल्यू इज इक्वल टू 3000, आंसर पहुंच गया हमारा 3000, ये देखिए तुरंत आंसर आपको मिला, समझ में आ रहा ना, ये 3000 रुपीज हो गया हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये सब कैलकुलेशन की ट्रिक होती है, यही आपको अप्लाई करना है अपने बोर्ड में, और जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करना है, ये नहीं बच्चों की तरह आप 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो इस तरह से करते रहे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 5 0 0 0 0 5 2 10, और फिर बच्चों की तरह ये करके फिर ऐड करके फिर, ये तो पूरा समय गया आपके, इसीलिए तो क्वेश्चन छूटता है, यही रीजन है क्वेश्चन छूटने का, क्योंकि एक छोटे से मामूली से कैलकुलेशन के लिए जिसको आप देख के कर सकते हैं, कि देख कर किया जा सकता है। ऐसे भी देखिए 15 है, 15 टू सा कितना हुआ 30, और 30 में एक जीरो वहां से खत्म कर दीजिए तुरंत, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट तो एक जीरो खा जाएगा तुरंत, तो यानी कि 3000 तुरंत आंसर आया। ये देखते कैलकुलेशन आपको करना है, ये सब हम आपको यहां पर सिखा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम यहां पर ना ही खुद कैलकुलेटर यूज करेंगे और ना ही आपको यूज करने देंगे, हम भले नहीं देख रहे हैं आपको लेकिन बोर्ड देखेगा आपको। ठीक है, आप अपने पढ़ाई के साथ ईमानदार रहेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो बस यहां पर जिस ट्रिक से मैं बताते चलता हूं आपको, वो सारी चीजें आप सीखते चलिए, कोई भी पॉइंट में दिक्कत होगा तो आप तुरंत पूछिए। ठीक है, अब आते हैं चलिए अपने नेक्स्ट केस के ऊपर, सेकंड और थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, मोहन ड्रॉ 6000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ईच में हमारा आया 3 मंथ। अब आप कह रहे होंगे सर आप रहने दीजिए, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा है तो आप सारा पूरा प्रोसेस एक अच्छे से स्टेप में देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको फिर बाद में आना पड़ेगा फिर वीडियो देखने। ध्यान से समझिए, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग क्या होगा, कितना है 6000, क्योंकि हर केस के लिए अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो एक बार सीखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर 12 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पर कितने से होगा, यहां पर होगा 6 से मल्टीप्लाई, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू 36000 रुपीज हो गया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, तुरंत बोलिए एवरेज पीरियड कितना है, तो सर 3 मंथ है ऑलरेडी पता है, तो यहां पर 3 मंथ यूज हो गया एवरेज पीरियड। तुरंत सर तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना आया 36000, ये देखिए 36000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड कितना है 3 मंथ, 3 डिवाइडेड बाय
12, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको तुरंत कैंसिल करिए, 3 4 जा 12, ये देखिए ये कटा, ये कटा, ये गया पूरा, ये देखिए 4 से ये गया, 4 से टेबल में 4 9 जा 36 और ये दोनों जीरो यहां पर ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 900 रुपीस। तुरंत फाइनल आंसर पहुंच गया अपने, देखिए कितना जल्दी लगा है हम लोग का, एक मिनट के अंदर ये सब सॉल्व होने वाले हमारे कैलकुलेशन है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, समय बचाना है, क्योंकि यहां समय बचेगा तो दूसरे क्वेश्चन पे वो टाइम दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर हम इसे इरेज करते हैं और आते हैं अपने लास्ट केस पे, सारे केस आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैंने पहले ही कहा है हमारा कमेंट सेक्शन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी हमें परेशान कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब मोहन ड्रॉस रुपीज 8000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। तो देखिए अमाउंट कितना विड्रॉ होगा, 8000, तो सबसे पहले देखिए 8000 मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई होगा, 9 मंथली है तो 9 से करिए सर, तो 9 से किया तो 8 9 जा बताइए जल्दी 72, ठीक है 72 और ये हो गया 30, 72000 रुपीस, ठीक, ये हो गया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। अब क्या होगा एवरेज फिगर, तो सर ऑलरेडी पता है 5 है, आप मेथड सिखा चुके हैं, तो 5 मंथ हो गया। फिर आइए तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करिए बिना टाइम वेस्ट किए, तुरंत अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना हुआ 72000, तो यहां पर लिखा तुरंत 72000 मंथ। लेकिन हाँ एग्जामिनेशन ऐसे नहीं आप कर दीजिएगा, ऐसे एरो देखिए जैसे मैं कह रहा हूं, अब क्या करेगा अच्छे से लिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, फिर ये लिखेगा, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बार बार एक बार आपने अप्लाई कर दिया बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 72000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मींस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड हो गया 5 अपॉन 12। फिर देखिए जल्दी से क्या होगा, डबल जीरो ये पूरा जीरो खत्म, ये 12 है, ये देखिए 12 से ये 12 कितना अच्छा नंबर कट रहा है 12 से 6 टाइम्स में, ठीक है 72 खत्म, 1 2 0 आ गया इसके पास और 5 6 जा हो जाएगा 30 और ये डबल जीरो, ठीक है 3000 रुपीस। क्वेश्चन सॉल्व पूरा देखिए, हमारा सारे केसेस हमारे सॉल्व हो गए, फोर्थ भी। अब अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर जो मेरे केसेस वाले वीडियो ने देखे तो सबसे पहले वो जाके देखिए, आपका एग्जामिनेशन में नंबर कट ही नहीं सकता है, आपको भूल भी नहीं सकता है या बोलना चाहेंगे फिर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत होता है कॉन्टेक्ट करिएगा, ओके स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट।